नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव का पूरा गणित ही बदल दिया और एक बार फिर मजबूती के साथ उभरी। दोनों पार्टियों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में 43 सीटें अपने नाम की तो वही भाजपा मात्र 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, जिसके बाद अखिलेश और राहुल की जोड़ी को लोग पसंद करने लगे हैं। लेकिन कांग्रेस जीत के बाद अपनी राह बदलती नजर आ रही है। जी हाँ, यूपी में सपा के साथ दम दिखाने के बाद कांग्रेस की नजर अब मायावती पर है। ऐसा क्यों, आइए आपको बताते हैं। सपा के साथ गठबंधन कर कांग्रेस ने यूपी में कमाल का दमखम दिखाया है, लेकिन अब कांग्रेस की नजर मायावती पर है। दरअसल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी को इंडिया ब्लॉक में शामिल होने का न्योता दिया है। प्रमोद तिवारी ने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा है कि अगर बसपा प्रमुख मायावती महागठबंधन के साथ रही होती तो यूपी का रिजल्ट कुछ और होता। उन्होंने दावा किया कि बसपा साथ होती तो इंडिया ब्लॉक की 80 की 80 सीटें जीत लेता। प्रमोद तिवारी ने कहा कि महागठबंधन ने अपनी ओर से बहुत कोशिश की थी कि मायावती की पार्टी भी साथ आ जाए, लेकिन उन्होंने अकेले ही चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। बता दें, मायावती ने साफ कर दिया था कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, उनकी पार्टी अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। हालांकि इंडिया गठबंधन ने मायावती को अपने साथ लाने की काफी कोशिश की, लेकिन मायावती नहीं मानी। मायावती ने चुनाव से पहले दो टूक कह दिया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, बसपा किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। बसपा ने अकेले चुनाव लड़ा भी। फिलहाल अब सवाल ये भी उठ रहा है कि विपक्षी गठबंधन 43 सीटें जीतकर सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरा है, फिर कांग्रेस क्यों चाहती है कि बसपा भी उसके साथ आ जाए। खैर, कांग्रेस ने न्योता तो दे दिया है, लेकिन अखिलेश का रुख क्या रहता है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।